Now we will see that making decisions when there is a lead time. Lead time is the amount of the time that passes from start of the process till the end of the conclusion. यानी एक थेरेपी की स्टार्ट, उसके बेगिनिंग से लेके उसके एंड पे उसको कंक्लूड तक करने का जो टाइम है, वो लीड टाइम कहलाता है। It is claimed that decision made on the spur of the moment, intuitively या फिर हम उसको instinctively कह सकते हैं, preferably to compare जो कि हम एक बहुत रिगरस कंसिड्रेशन के बात करते हैं टेल लिली टेलिथेरेपी की बिगनिंग के अंदर भी जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो कुछ इस तरह के एक डिसीजंस कर लेते हैं एक इंडिविजुअल के बारे में जो उनकी एक फर्स्ट माइंड में मिलते ही उनके जहन में आता है जिसे हम कहते हैं कि वो इंट्यूटिव है या वो एक स्पर ऑफ अ मोमेंट में किया जाने वाला डिसीजन है हाउ अदर रिसर्च कन्फर्म डेट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट डिसीजन डिजर्व Active planning, whereas the trust your gut approach is not only an ill advice but possibly even dangerous. Research ye rigorously propose करती है कि जो हमारी gut feelings हैं about any decisions for any client, वो mostly गलत होती हैं हमें बहुत rigorously research based evidences और हमें proper effort, case formulation, case designing और उसके बाद हमें हर तरह के जो factors हैं उनको सामने रखते हुए अपने case को discuss करना चाहिए और फिर हमें किसी साइंटिफिक कंक्लूजन पर रीच करना चाहिए एथिकल अराइज एंड अ डिसीजन मस्ट बी टेकन द बेस्ट पोटेंशियल आउटकम इज सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली इफ फ्यू ऑफ द अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इंक्लूडिंग सफिशेंट टाइम टू कलेक्ट ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीडीड टू एक्सप्लोर ऑप्शन कंसल्टेशन इंटरवेंशन एंड फॉलो अप हमें रिसर्च ये समझाती है कि कभी भी हमने अपने मोमेंट्री जो आ, गट फीलिंग्स या स्पर ऑफ द मोमेंट फीलिंग्स हैं उसकी बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना बल्कि हमें जब भी कोई एथिकल डायलेमा अराइव होता है हमें प्रॉपर कंसल्टेशन से इंटरवेंशन से डिस्कशन से पीयर कॉलिग्स के साथ ओपिनियन लेने के बाद देन हमें उसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन करना चाहिए एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वॉल्व ऑल रेलिवेंट पार्टीज़ हमें सारे रेलिवेंट लोगों को इंक्लूड करना चाहिए जो भी उसके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं चाहे वो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट है उसके पेरेंट्स हैं कोई एजेंसीज हैं कोई गवर्नमेंट uh, की बॉडीज हैं जिस चीज़ को भी उस केस के अंदर हमें रेलिवेंटली लूप होल में लेना होगा उन सबको अप्रोच करना ज़रूरी है ऑपरेटिंग अंदर लो स्ट्रेस एंड अ माइंड सेट देट मैक्सीम ऑब्जेक्टिविटी कभी भी स्ट्रेस में आकर कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए हमें हमेशा एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हुए हर किस्म का जो काम है उसको डिजाइन करना चाहिए मेंटेनिंग अ कॉन्टीन्यूस एवेलुएशन दैट इनेबल्स फॉर मिड कोर्स मॉडिफिकेशन और अदर चेंजेस टू सेटिसफाई रिवॉल्विंग द डायलेमा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्टीन्यूसली अपनी इन सारे प्रोसेस को इवेल्यूएट करते रहें इनको मॉनिटर करते रहें ताकि हमें यह अंदाज़ा हो जाए कि हर स्टेप के ऊपर किसी किस्म का कोई एथिकल डायलेमा तो अराइव नहीं हो रहा देन ऑल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स शुड इंटरनलाइज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी

क्योंकि जैसे हम बहुत सारे अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स जो कि पास में होते रहे हैं, उनकी बात करते हैं तो वो हमें यही इवेंचुअली सिखाते हैं कि बाज़ात बहुत सारे और बायस की बेसिस के ऊपर उन स्टडीज को डिजाइन किया गया जैसे डॉक्टर जॉन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी डेट ही हैज़ एट स्टटरिंग प्रॉब्लम और उसने ट्वेंटी टू बच्चों के अंदर जो है वो स्पीच प्रॉब्लम इंड्यूस की क्योंकि वो बिलीव कर रहा था कि ये सिर्फ लर्निंग की वजह से हुई हैं जबकि ऐसा नहीं है तो बात हम ऐसी अनएथिकल ऐथिकल प्रैक्टिस जस्ट बिकॉज अपनी बिलीव की वजह से कर सकते हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स के लिए डैमेजिंग हो सकती हैं सो सो वेन वी डिसाइड दैट वी आर हैविंग दैट डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटी और हम हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंटेशन की फेज के ऊपर हर स्टेप के अंदर हमें उसके एथिकल पॉइंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि आदर वो किसी बायस की वजह से हमने उनको ऐसे डिज़ाइन तो नहीं किया क्योंकि अगर उसमें हमारे पर्सनल जो है वो बायसेस इंटेग्रेट हो जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा बन सकता है